वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत की सामान्य जानकारी। तो इस भारत की सामान्य जानकारी के संदर्भ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे। तो अभी अगर बात की जाए कि भारत का नाम क्या क्या है, तो भारत का नाम भारत ही है हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो प्राचीन इतिहास में भारत का नाम भारत पराकर्षी। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो भारत जो आपके सबसे पहले पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो आपकी है वो 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। इस 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है वायु पुराण। क्या नाम है? वायु पुराण। और इस वायु पुराण में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दुष्यंत। क्या नाम था? दुष्यंत। और इसकी पत्नी थी जिसका नाम था शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। और इसी दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। तो इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? तो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा? तो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। तो भारत कैसे पड़ा मैंने ये बताया। अब दूसरी बात ये आती है कि इस देश का नाम हिंद कैसे पड़ा। तो मध्यकालीन इतिहास में जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मध्यकालीन भारत में जब भारत पे मुस्लिमों का आक्रमण किया गया, तो मुस्लिम इतिहासकार ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। एक समय में भारत का नाम आर्यवर्त भी था। क्या नाम था? तो एक समय में भारत का नाम आर्यवर्त भी था। तो आर्यवर्त कैसे पड़ा भारत का नाम? तो 1500 BC में करीबन। कब? तो करीबन 1500 BC में भारत में आर्यों का आगमन होता है। कब होता है? 1500 बीसी में भारत का आगमन होता है और ये 600 बीसी तक आर्य रहते हैं। और इसी को बोला गया है वैदिक काल। क्या बोला गया है? तो इसी को बोला गया है वैदिक काल। और इस वैदिक काल का निर्माण आर्य के द्वारा किया गया था। आर्य जो आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से, ऐसा मैक्स मुलर साहब ने कहा। किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आर्य आए थे अल्प्स पर्वत से। कहां से आए थे? अल्प्स पर्वत से आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तिब्बत से आए थे। लेकिन यहां मैक्स मुलर का बात क्यों सही होता है? तो एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका नाम है M17। क्या नाम है? M17। इससे भी पुष्टि की गई है कि आर्य का जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, ठीक है। तो आर्य जब आए तो आर्यों ने वेद का निर्माण किया और उसी समय से इसका नाम जो पड़ गया आपका वो आर्यवर्त पड़ा। क्या पड़ा? आर्यवर्त। अब अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश शब्द इंडिया कहां से आया। तो इंडिया जो आपका आया वो इंडोई, ये आपका यूनान का वर्ड है इंडोई, इसी इंडोई से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो फिर से एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले बात मैंने बताया आपको कि वायु पुराण, पुराणों की संख्या 18 है, उसमें एक वायु पुराण है। उस वायु पुराण में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दुष्यंत और उसकी पत्नी का नाम क्या था? शकुंतला था। और उसी दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। और उसी के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? तो इस देश का नाम भारतवर्ष था, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, मध्य एशिया से भारत आर्य आए थे। आर्य जो आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। और जब वो भारत आए तो उन्होंने वेदों का निर्माण किया और उस काल का नाम क्या रखा गया? वैदिक काल रखा गया। क्या रखा गया? तो वैदिक काल रखा गया। तो इसीलिए इस देश का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। क्या पड़ा? आर्यवर्त। अब अगर बात किया जाए आगे की, इस देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो यूनान का एक वर्ड था इंडोई, उसी से इस देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। अब मैंने फिर बताया था आपको कि इस देश का नाम हिंद अथवा हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो मध्यकालीन इतिहास में जब मुस्लिमों का आगमन होता है तो उसी समय से जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान करके संबोधित किया, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा? तो हिंदुस्तान पड़ा। तो अब कितना में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं ऊपर नोट भी कर दिया हूं, मैं वो भी समझा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है? तो वैदिक काल जो आपका है वो ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका है वो नगरीय सभ्यता है, ठीक है। अब देखो, मैंने भी जस्ट बताया कि पुराण वायु पुराण के संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का नाम उल्लेख मिलता है और इसी
के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? तो भारत वर्ष पड़ा। क्या नाम पड़ा? तो भारत वर्ष पड़ा। उसके बाद मैंने बताया कि भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है तथा आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा? तो आर्यवर्त पड़ा। उसके बाद मैंने बताया कि मध्यकालीन इतिहास के लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। ठीक है, इंडिया की उत्पत्ति जो हुई है आपका वो यूनानी शब्द है इंडोई, इसी से इंडिया की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? तो इंडिया की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम सबसे पहले अब देखेंगे सेकंड लेवल पहुंचते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेवल बताया कि इंडिया का नाम इंडिया आया, पहला पहला कैसे, भारत का और क्या नाम था प्राचीन काल में। ठीक है, अभी नाम क्या है? तो संविधान के अकॉर्डिंग भारत का नाम इंडिया ही है। ठीक है, अब भारत के नक्शे को देखते हैं, मैप को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो आपके हैं वो टोटल कुल पड़ोसी जो भारत के हैं कितने, तो कुल पड़ोसी जो आपके भारत के हैं वो है कितने, तो वो है 9। सात जो आपके हैं वो है स्थलीय है और प्लस 2 जो है वो है जमीन। ठीक है, कितने हो गए? 9। अब सात स्थलीय कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सात स्थलीय पड़ोसी देश भारत। और 2 जलीय में कौन कौन से हैं? तो एक है श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। तो कितने हो गए? 9 हो गए। ऊपर आपने पड़ोसी देख लिया, अब नीचे इस साइड जो भारत का जो ये एरिया आपका है, इस एरिया में क्या है? तो इस एरिया में है अरब सागर, अरेबियन सी। क्या है? अरब सागर। जैसे ही नीचे बढ़ते हैं तो नीचे जो आपका है वह है हिंद महासागर और ये जो इधर है आपका ये है अरब सागर। क्या है? तो ये है अरब सागर। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है। दूसरी बात ये आती है कि भारत की आकृति जो आपकी है वो आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है भारत? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। अब ये भारत के पास एरिया कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है आपका वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है? जैसे कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कितना परसेंट भारत के पास है और इस पृथ्वी में कितना परसेंट, पहले ये जानेंगे कि ये भूमि है। तो इस पृथ्वी में जो भूमि आपका है ये भूमि कितना है? तो भूमि है 29%। कितना परसेंट है? 29%। जब 29% भूमि है तो बाकी 71% क्या है? तो बाकी 71% जो आपका है वो वाटर है और इसी 29% में जो भारत के पास आपका है वो 2.4% है। कितना है? तो 2.4% है। यानी कि पृथ्वी पे जल की संख्या कितनी है, जल का प्रतिशत कितना है? 71%। भूमि कितना है? 29%। और इस 29% में भारत के पास कितना है? तो 2.4%, अर्थात 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया ये। अब देखो आगे देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पे 71% वाटर है इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह, क्योंकि ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है जल के कारण। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो ये भारत का जो है ये पूर्वी हिस्सा है। ये क्या है? ये पूर्व। इधर क्या है? तो इधर है पश्चिम। तो ये जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है आपकी 29-33 किलोमीटर। कितनी है? यानी कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 29-33 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो आपकी है वो कितनी है? तो 32-14 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? तो 32-14 किलोमीटर है। अर्थात अब संदेश में बोल दे रहा हूं एक बार कि भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, जो पूरे वर्ल्ड के
भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आगे मैंने बताया कि भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिम बिंदु तक की लंबाई जो है आपकी वो 29-33 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है आपकी वो 32-14 किलोमीटर है। कितना है तो 32-14 किलोमीटर है। अब इतना में कोई दिक्कत नहीं, तो देखो आगे देखते हैं। अगर आपको इतना में कहीं से कोई परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा कि कहां दिक्कत हुई क्या दिक्कत हुई। ठीक है, और अगर समझना है तो फिर आगे मैं इसी पैटर्न में फिर से वीडियो बना के आपको मैं अपलोड कर दूंगा कि क्या दिक्कत आई आपको। ठीक है, तो अब आगे तो अब मैंने बता दिया पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो आपकी है वो 32-14 किलोमीटर है। अच्छा, जब भारत का पूर्वी बिंदु जो है ये पूर्व में जो आपका है ये पूर्व में ये कौन सा राज्य है, तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है, तो ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे पूर्व में है। अर्थात जब सबसे पूर्व में है तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो था नेफा। क्या नाम था, इसको नेफा एक समय में कहा जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में है और भारत के सबसे पूर्व में जो बिंदु है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किबथू। क्या नाम है, किबथू या वालंगू। ठीक है, तो भारत के पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, तो किबथू है या वालंगू है। अब बात करते हैं पश्चिम बिंदु के बारे में, तो पश्चिम में है आपका गुजरात। क्या है पश्चिम में, तो पश्चिम में है गुजरात, और गुजरात का कौन सा बिंदु है, तो गुजरात का है गौर माता। कहीं कहीं गुहार मोती भी मिल जाएगा, गौर माता या सर क्रीक, यह है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अब हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु के बारे में, तो उत्तरी बिंदु जो आपका है वो है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। अब लद्दाख का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा। क्या नाम है, तो इंदिरा ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, अब देखो आगे भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका। देखो दक्षिणतम बिंदु मतलब मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो आपका है वो है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु का कौन सा जगह सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। क्या नाम है, तो नाम है उसका कन्या कुमारी या केप कोमो। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। भारत के पूर्व में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबथू या वालंगू। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात का बिंदु है गौर माता या सरक्रिक। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौर। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। और तो ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो आपका है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो ये तो अभी मैंने बताया कि भारत के पूर्व में कौन सा बिंदु है, किबथू या वालंगू। भारत के पश्चिम में कौन सा बिंदु है, गौर माता या सरक्रिक। भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा कौल है जो लद्दाख में पड़ता है। भारत के दक्षिण में कौन सा बिंदु है, तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो अंडमान निकोबार का है आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे नोट कर लिया हूं कि भारत की आकृति जो है आपकी वो कैसी है, चतुष्फलकीय है, और इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है आपका 32-14 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम का विस्तार है 29-33 किलोमीटर। कितना है, अगर आपसे पूछे कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है या चतुष्फलकीय है, इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो 32-14 है, जबकि पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां तो समझ गया। अब देखो आगे,
अब बात करते हैं कि देखो ये नीचे जो आपका है, नीचे है आपका यहाँ अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, उधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो तटवर्ती, ये कौन सा भाग हुआ? ये हुआ तटवर्ती भाग, तटीय भाग हुआ, भारत का तट वाला हिस्सा हुआ। तो ये भारत का तट वाला हिस्सा हुआ, इसकी लंबाई कितनी है? भारत के तट वाले हिस्से की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर आपका यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई जो है आपकी तट वाली लंबाई, तटवर्ती लंबाई, वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहां अंडमान निकोबार है, इसका भी तट है। ये जो अंडमान निकोबार आपका, इसका भी तट है। यहां इधर आपका, यहां पे कौन सा क्या है? तो यहां पे आपका है लक्षद्वीप, इसका भी तट होगा। तो अगर ये दोनों तट को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 7516.6, और इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है 7517। तो अब देखो समझाता हूं फिर से, मैंने क्या बोला कि भारत के तटवर्ती भाग की लंबाई कितनी है? तो तटवर्ती भाग की लंबाई है 100 किलोमीटर, जबकि अगर भारत के तटवर्ती भाग यानी कि भारत की मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो तटवर्ती भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, देखो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो आपकी है वो 15106.7 है, और अन्य स्रोतों से मिल जाएगा आपका 15200। स्थलीय मतलब क्या? देखो ये है स्थल, ये क्या है? तो ये स्थल है। तो यहां से ऊपर वाला जो भाग आपका है, पानी से ऊपर वाला जो भाग आपका, वो स्थल, स्थल से घिरा हुआ है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 15200 किलोमीटर है। कितनी है? तो 15200 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर नीचे वाले भाग के बारे में बात करो तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर है। तो देखो यहीं पे स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15106.7 किलोमीटर है, अन्य स्रोतों से 15200 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, तथा अन्य को मिलाकर, अन्य मतलब किसको मिलाकर? अन्य मतलब आपका हो जाएगा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिलाकर के जो लंबाई आपकी है वो 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह किधर गोलार्ध, यह किस गोलार्ध में है आपका भारत? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, देखो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य? तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हुए हैं, यानी तटवर्ती राज्य हैं। तटवर्ती राज्य भारत के कितने हैं? 9। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तटवर्ती? तो 4। अब 9 कौन कौन से हैं और 4 कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये है गुजरात, यहां से लेकर के यहां तक आपका जो है वो तट से लगा हुआ है। गुजरात के आगे बढ़ेंगे आपका तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? ये तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ये भी तट से लगा हुआ है। यहां देखो ये छोटा सा राज्य जो हो जाएगा आपका वो गोवा हो जाएगा। गोवा के नीचे अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक के नीचे बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केरल। तो देखो अरब सागर से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5। कौन कौन 5? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, जो भारत का तटवर्ती राज्य है। और किससे? अरब सागर से। इधर देखो तमिलनाडु, यहां पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा यहां पे? यहां पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये है आपका ओडिशा, ये कौन सा राज्य है? ये है ओडिशा, और ये जो आपका है ये है वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य है ये आपका? तो वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। ये है ओडिशा, ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये है तमिलनाडु। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि भारत के कितने राज्य तटवर्ती हैं? तो 9 राज्य। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 4। जैसे यहां पे आपका है दमन व द्वीप तथा दादर व नगर हवेली, एक। दूसरा यहां पे आपका है अंडमान निकोबार, 2। और तीसरा यहां पे है लक्षद्वीप, 3। चौथा कौन सा है? तो चौथा है पौंडीचेरी। देखो पौंडीचेरी जो आपका है वो 3 राज्यों में स्थित है। एक जिला आपका आंध्र प्रदेश में है, एक जिला तमिलनाडु में है, और एक जिला केरल में है। ठीक है, तो 4 हो गए ना, पौंडीचेरी, दमन व द्वीप तथा दादर व नगर हवेली,
फिर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये चार जो आपके हैं वो भारत के तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं, देखो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हैं। ठीक है, कितने से लगे हैं? तट से लगे हैं, जिसमें अगर पौंडीचेरी के बारे में बात करता हूं तो पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। यमन जो यहाँ का जिला है वो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, और माहे जो है वो कहां पे है? तो माहे केरल में है। कहां पे है माहे? केरल में है। अब देखो, तो मैंने नीचे वाला बता दिया कि भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं, तट से, यानी कि चारों तट से घिरे हुए राज्य जो आपके तटवर्ती राज्य, तट से लगे हुए जो राज्य आपके हैं वो है 9। अच्छा, जब भारत के तट से लगे हुए राज्य 9 है तो भारत के स्थल से लगे हुए राज्य कितने हैं, जो चारों साइड से स्थल से ही बनने लगे हुए हैं? तो वो राज्य है 19। कितने हैं? तो 19 राज्य भारत के स्थल से घिरे हुए हैं, यानी कि लैंडलॉक्ड राज्य हैं, चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। कैसे घिरे हुए हैं? तो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। कितने राज्य? 19 राज्य। अब देखो, उस 19 राज्य में से कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब क्या? पाकिस्तान के बाउंड्री को टच नहीं करेगी, चाइना के बाउंड्री को टच नहीं करेगी, नेपाल के बाउंड्री को टच नहीं करेगी, भूटान के बाउंड्री को टच नहीं करेगी, म्यांमार को टच नहीं करेगी, बांग्लादेश को टच नहीं करेगी और अफगानिस्तान को टच नहीं करेगी। तो वो कौन कौन से राज्य? 5 है आपके जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करती है, लेकिन स्थल रुद्र है, लैंडलॉक्ड है, यानी कि चारों साइड से भूमि से घिरे हुए हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद इस यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड है। देखो मैंने क्या बोला, हरियाणा, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला आपका मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर मैंने बोला आपको छत्तीसगढ़, कौन सा बोला? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या किसी भी देश से टच कर रही है? नहीं कर रही है ना। यहां मैंने बोला झारखंड, कौन सा? तो झारखंड। अब एक कौन सा बचा? तो आपको पता है ना कि 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो देखो यही ना आंध्र प्रदेश है बीच वाला हिस्सा, तो क्या आंध्र प्रदेश लग रही है किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से? नहीं लग रही है ना। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच नहीं करती है और स्थल रुद्र राज्य है, मतलब चारों तरफ से स्थल रुद्र है, ये मैंने बताया। अगर मैं बात करूं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करती है तो 5 नहीं होगा। क्यों 5 नहीं होगा? क्योंकि मैंने 5 वो राज्य के बारे में बताया जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैसे कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच नहीं करते हैं, तो वैसे राज्य के नाम जो आपके हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 5 यहाँ हो जाएगा और नीचे जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7। ठीक है, इतने ऐसे राज्य हैं आपके जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच नहीं करते। लेकिन अगर स्थल रुद्र के बारे में पूछे कि वैसे कौन कौन से राज्य हैं जो स्थल रुद्र हैं और अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच नहीं करते हैं, तो 5 राज्य हैं। 5 कौन कौन से? तो हरियाणा बीच में आपका है, मध्य प्रदेश भी बीच में आपका है, और फिर से आपका छत्तीसगढ़ यहाँ बीच में है, झारखंड भी बीच में, यानी कि किसी भी बाउंड्री को टच नहीं करता है। ठीक है, बीच में तो बस 2 ही राज्य है भारत के, मध्य में 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बातें कर रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो देखो, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट से लगी हुई है, भारत के 19 राज्य लैंडलॉक्ड हैं, अर्थात लैंडलॉक्ड मतलब स्थल रुद्र है, जिनमें से 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करती है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो 5 राज्य हो जाएंगे आपका, मैंने यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, देखो 5 कौन कौन से हो जाएगा, ऊपर में देखो हरियाणा, सबसे पहले कौन सा राज्य देखो? हरियाणा। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा? झारखंड। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तो ये 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं, लेकिन चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं, किसी भी समुद्र को टच नहीं करते हैं, किसी भी तट से नहीं लगे हुए, समुद्री तट से नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, तो अब यहां से बात ये आती है कि सर क्या 14 ऐसे राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री टच करता है? तो नहीं, 14 राज्य, 14 राज्य हैं, लेकिन स्थल रुद्र वाले 14 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री टच करता है। स्थल रुद्र मतलब क्या? चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे कितने ऐसे भारत के राज्य हैं स्थल रुद्र जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, तो 14 सही हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे सीधा पूछ लूं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री टच करते हैं, तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
14 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा, 2 ऐड करूंगा, 2 सम करूंगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, 14 में 2 जाए। कैसे, 2 कौन से मैंने जोड़ा, देखो तो यहाँ गुजरात दिख रहा है आपको, देखो गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कर रहा है, ये स्थल को भी टच कर रहा है, भारतीय स्थल को, और देखो ये क्या चारों तरफ से आपका स्थल उद्र है, आईना है, इधर से लगा हुआ है नारद सागर से, तो एक वो और एक देखो यहाँ पश्चिम बंगाल, ये दिख रहा है आपको, देखो पश्चिम बंगाल जो है आपका वो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री में बांग्लादेश टच कर रहा है, लेकिन देखो बंगाल की खाड़ी में टच कर रहा है, तो क्या ये स्थल उद्र हुआ, नहीं हुआ ना। तो फिर से एक बार, भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं, भारत के 19 स्थल रुद्र राज्य हैं, जिसमें से 5 अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कितने ऐसे राज्य हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं तो 16, और फिर बोलूं मैं आपको कितने ऐसे स्थल रुद्र राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने स्थल रुद्र राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, तो आप क्या लगाते हो, 16 राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हो, अगर आगे दो मैं तो सही बनाया, लेकिन होता क्या गलत, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आप सही से पढ़ते नहीं हो, स्थल रुद्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्थल रुद्र, क्लियर हो गया ये। आप देखो आगे, उसके बाद मैंने क्या बताया, कुल 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को लगती है, जिसमें से 14 लैंडलॉक्ड राज्य हैं, ठीक है। कौन है, देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कुल 16 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को लगाती है, जिसमें से 14 जो आपके हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, मतलब स्थल से घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं, स्थल से घिरे हुए हैं चारों साइड से, और इस 16 में से 2 राज्य जो हैं आपके वो पूर्ण रूप से स्थल से नहीं है, आपके तट से भी लगे हुए हैं, एक अरब सागर से लगा हुआ है, एक बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। तो मैंने जितना बताया उतना में किसी को कोई दिक्कत, तो ये था आपका आज का लेवल 1 यानी कि पार्ट 1 था, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पार्ट 2 बताऊंगा, और पार्ट 2 में मैं बताऊंगा आपको भारतीय मानक समय, कर्क रेखा और दिल्ली NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन, ये 3 टॉपिक लेके मैं आऊंगा, ठीक है।